वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, साथ में हुई सघन जांच एवं मास्क नहीं पहनने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा यह प्रक्रिया अभी लगातार जारी रहेगी। रामगढ़ जिले के प्रमुख बाजारों में पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए आम लोगों को वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक किया। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से यह फ्लैग मार्च और बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार एवं सड़क पर दौड़ रही बड़ी एवं छोटी गाड़ियों के चालकों को रोककर आर्थिक दंड लगाते हुए भविष्य में ऐसा ना करने की भी चेतावनी दी गई। इस दौरान संबंधित थाना के प्रभारी सहित नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस विषय पर बात करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने बताया कि रामगढ़ शहर के बाहर सुदूर क्षेत्रों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन जगहों पर अब प्रतिदिन फ्लैग मार्च किया जाएगा, साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया जाएगा और सुदृढ़ हो इसके लिए मैंने भी निर्देश जारी किया है। इससे जो एक नया चीज हो रहा है वो है कि रामगढ़ टाउन के बाहर जैसे गोला हो गया, भुकुंडा हो गया, बड़काकाना हो गया, पतरातू हो गया, वहाँ रेगुलर बेसिस पर डे चेकिंग चलेगी। अभी क्या होता था कि चूंकि रामगढ़ ट्रैफिक थाना सिर्फ रामगढ़ टाउन में है तो विशेष आदेश पे सप्ताह में 2-3 दिन चेकिंग होती थी, जैसा आप लोग पिछले 15 दिन से जान रहे हैं कि कभी बुरकुंडा में हो रहा है, कभी पतरातू में हो रहा है। बट ये जो हमारा मेजर भीड़ भाड़ का इलाका है अपार्ट फ्रॉम रामगढ़, बुरकुंडा हो गया, पतरातू हो गया, गोला हो गया, तो यहाँ पर डे दिन भर चेकिंग चलेगी और वहाँ भी ट्रैफिक के लोग प्रतिनियुक्त रहेंगे। और जो टाउन में ट्रैफिक के लोग लगते हैं जैसे चट्टी बाजार है, बाजार टार है, सुभाष चौक है, पटेल चौक है, यहाँ लोग एज इट इज लगते रहेंगे और यहाँ पर और सुदृढ़ बनाने के लिए मैंने लोगों को ब्रीफ किया। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है